नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। फुसरो के शारदा कॉलोनी में बावरी संघर्ष मोर्चा की ओर से बेरम प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किशोर कुमार बावरी ने किया। देखिए, फुसरो के शारदा कॉलोनी में बावरी संघर्ष मोर्चा बेरमो प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किशोर कुमार बावरी ने की। इस जन सम्मेलन में पार्टी के संस्थापक करमचंद बावरी भी उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में बावरी संघर्ष मोर्चा द्वारा बेरमो प्रखंड के लिए नए सदस्यों को अनेक पदों के लिए चुना गया और उन्हें नियुक्ति पत्र देते हुए पुष्पमाला से उनका सम्मान किया गया। वहीं अपने समाज को नई दिशा और विकास के राहों में ले चलने का आह्वान भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN News। नमस्कार, मैं सरवर कुमार, HBN News में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं बेरमो प्रखंड के फुसरो के अंतर्गत आने वाले शारदा कॉलोनी में स्थित हूं, जहां पर बावरी संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में एक मिलन समारोह किया गया है। इस मिलन समारोह के करने के पीछे क्या उद्देश्य था, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे बावरी संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष है मिस्टर किशोर बावरी जी। आइए उनसे बात करते हैं कि ये समारोह का जो आयोजन उन्होंने किया है क्यों करवाया है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार बावरी, बावरी संघर्ष मोर्चा जिला अध्यक्ष पुकार हूँ। और ये रजिस्ट्रेशन किया गया था, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 2989/2018। सर, हमें आप आज पूरे झारखंड में बावरी संघर्ष मोर्चा का 10 जिला में जिला कमेटी का गठन हो चुका है। सर, आप ये बताइए कि आज जो आप लोगों ने मिलन समारोह को आयोजन किया है, इसमें आपके द्वारा क्या उद्देश्य नजर आपका? ये देखिए, आज बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो प्रखंड कमेटी का गठन किया गया और बेरमो प्रभारी का भी घोषणा किया गया और आज गठन भी किया गया है। इसमें अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ और इसके बाद निरंतर बाल संघर्ष मोर्चा का काम जो है जारी है। अभी लगातार कुछ दिनों से पूरे बोकारो जिला में बाल संघर्ष मोर्चा जो समाज के जो लड़के लड़कियां हैं उन लोगों ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका काम किया। जी सर, तो आप हमें जानकारी दीजिए सर कि आपकी जो बावरी संघर्ष मोर्चा है, इसके माध्यम से आप अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब जब युवा युवा जागा है, चाहे देश का हो चाहे किसी समाज का, तब तब एक नया क्रांति आई है और हमारे और अब देर नहीं, अब वो दूर दिन दूर नहीं है कि जब बावरी संघर्ष मोर्चा का परचम पूरे बोकारो नहीं, पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत वर्ष में लग रहा है। जी जी, बहुत समय हमारे न्यूज को दिया है, हमारे दर्शकों को दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज के लिए धन्यवाद। जी जी, मैं कहना चाहूँगा सर कि आप हमारे HBN न्यूज के साथ में और भी नई खबरों के लिए बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि आपको बेरमो प्रखंड से रिलेटेड और पूरे झारखंड भर के एक एक गली एक एक कोचे की हर जानकारी हर खबर आपको मिलती रहेगी। इसके लिए कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार, डॉक्टर आसमा परवीन।
प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।